स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं प्रोफेसर सलाम लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों। कोटा में मेज नदी बस दुखांतिका में 24 मृतकों की आज हो रही है तीए की बैठक। थोड़ी देर बाद सीएडी ग्राउंड में होगी तीए की बैठक। सीएम गहलोत, यूडीएच मंत्री धारीवाल भी होंगे शरीक। शोक सभा में सभी मृतकों के लगाए जा रहे हैं फोटो। जयपुर में सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी ले रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डीआईपीआर मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी। डीआईपीआर आयुक्त महेंद्र सोनी ले रहे हैं फीडबैक। पत्रकारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक। सभी जिला संपर्क अधिकारी हो रहे रूबरू। कोटा में बीजेपी ने काले झंडे दिखाने का ऐलान किया वापस। बिजली के बकाया बिलों के कनेक्शन काटे जाने से नाराज थे किसान। बीजेपी जिलाध्यक्ष मुकुट नागर के साथ एडीएम से किसानों की वार्ता। अब बहाल हुई विद्युत आपूर्ति और बिल जमा कराने की अप्रैल तक मोहलत। कोटा में मेज नदी बस दुखांतिका में 24 मृतकों की आज हो रही तीए की बैठक। थोड़ी देर बाद सीएडी ग्राउंड में होगी तीए की बैठक। सीएम गहलोत, यूडीएच मंत्री धारीवाल भी होंगे शरीक। लोकसभा में सभी मृतकों के लगाए जा रहे फोटो। एचबीसीएल बाड़मेर पालमपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट को लेकर सीएस करेंगे थोड़ी देर में चर्चा। प्रमुख सचिव खान के साथ होगी चर्चा। शाम 4 बजे से डिस्कॉम को स्ट्रीट लाइट का पेमेंट देने को लेकर बैठक। आज शाम 5:30 बजे आईएएस एसोसिएशन की बैठक में लेंगे सीएस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे स्टेट हैंगर। थोड़ी देर में कोटा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। धौलपुर में शादी समारोह में हुआ हादसा। कच्ची पत्थर की छत गिरी टूटकर। हादसे में करीब 10 से 12 लोग हुए घायल। पाटोरा के ऊपर लोगों के चढ़ने से टूटी कच्ची बस्ती। ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भर दिए गए थे। नामांकन पत्रों को बंद लिफाफों में रखा गया था। 1119 ग्राम पंचायतों में से 707 ग्राम पंचायतें हैं प्रभावित। शेष 412 ग्राम पंचायतों में दाखिल नामांकन पत्र। 15 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के साथ कर रहे हैं वीसी। 4 बजे तक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुख्यालय में हो रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अधिकारियों से ले रहे हैं योजनाओं का फीडबैक। राजधानी जयपुर में पंचायत राज चुनाव को लेकर बड़ी खबर। पंच सरपंच चुनाव को लेकर पहले चरण में प्राप्त नामांकन पत्रों वाली ग्राम पंचायतों में चुनाव 15 मार्च को होंगे। 707 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव। प्रथम चरण में 1119 ग्राम पंचायतों में स्थगित हुए थे चुनाव। सटासट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।